नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आज एक बार फिर बीजेपी को चौतरफा घेर लिया है। पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ ऐसे सवाल किए जिनके जवाब देने में मोदी अगर नाकाम रहते हैं तो फिर जनता समझ जाएगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी लड़ाई का केवल बहाना कर रहे हैं, असल में पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। ये बात जनता शायद अच्छी तरह से समझ जाए इसके बाद, अगर नरेंद्र मोदी कांग्रेस ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जवाब नहीं दे पाए तो। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने ये सवाल सेबी प्रमुख माधवी बुद्ध से उठाए हैं, उनसे लेकर उठाए हैं और पूछा है, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। इन सवालों के बारे में आपको और जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और वहां ट्रैक मैनों से बात कर रहे हैं, और उस वीडियो को भी लाते हैं आप तक। लेकिन उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये राहुल गांधी आज पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे कैंट और वहां पर स्टेशन, और वहां ट्रैक मैनों से वो बात कर रहे हैं। और आज ही राहुल गांधी ने DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कंडक्टरों और चालकों के साथ पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात की थी, और उन चालकों और कंडक्टरों से उनकी जो बातचीत हुई, ये देखिए, ये वीडियो है, ये विजुअल है। राहुल गांधी ट्रैक पे और दिल्ली कैंट के ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे स्टेशन पहुंचकर ट्रैक पे जो जायजा ले रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, काम करने वाले वहाँ के कर्मचारियों से मिल रहे हैं, ये विजुअल है। लेकिन इसके अलावा दूसरे विजुअल में आते हैं, आप यहां राहुल गांधी को पहचान नहीं पाएंगे, बीच में राहुल गांधी हैं जो सिर पे टोपी लिए हुए हैं। आज ही राहुल गांधी ने दरअसल DTC के कंडक्टरों और चालकों से अपनी बातचीत का वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो है, जरा इसके शुरुआती कुछ अंश आपको दिखाना चाहता हूं, जरा देख लेते हैं, ले आइए जरा। कंडक्टर आप ड्राइवर, आपका कितना बनता है? मेरा परमानेंट है, सर 800 रुपए एक दिन का बनता है, उसी में SIPF दोनों कटता है, और जो रेस्ट बनता है उसको ही पैसे कटते हैं। आप ड्राइवर हो? 21,000 टोटल किलोमीटर के हिसाब से इनका। अच्छा, और कितने घंटे होता है काम? 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा उसका पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, कच्चे हैं, सब कच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में, हम और DTC हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये 816 रुपये एक दिन का, 16 रुपये उसी में SIPF भी कटेगा, प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता, कोई दिन नहीं, संडे सैटरडे कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे, जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करें? समान भत्ता खिलाना चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कहाँ से किराया दे, कहाँ से किताबें लाएं, कहाँ से ट्यूशन फीस दे, कहाँ से नहीं मिल रही। आप बस पे अभी नहीं चल रहे हो? बस में चल रहे साहब, प्रॉपर सैलरी कैसे नहीं मिल रही? देने नहीं, गवर्नमेंट सैलरी नहीं आ रही है, राज्य सरकार कह देती है सेंटर को, सेंटर सरकार कह देती है राज्य को, फंड रिलीज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और आगे से 2 महीने का और कह दिया, 2 महीने तक और नहीं मिले, जहां हाथ पैर मारने मार लो, जिस नेता के पास जाना चले जाओ, जो करना कर लो। अक्टूबर से पहले सैलरी नहीं मिलेगी ये कह रहे अधिकारी हैं। हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा, अब नई भर्ती कर रहे, उनका भी भविष्य खराब करेंगे ये। तो देख रहे थे आप, एक तरफ राहुल गांधी लगातार आम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी शासनकाल में होने वाले अन्याय के खिलाफ हुआ आवाज भी उठा रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर तो राहुल गांधी ने कहा ही है कि हर हाल में उसे वो करवा कर रहेंगे, और अब RSS की 3 दिनों की बैठक जो हुई है, उस बैठक के बाद RSS के मुख्य प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा है कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है, इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। कभी कभी सरकार को संख्या की जरूरत होती है और उसने पहले भी इसी तरह की प्रैक्टिस की है। अंबेकर ने यह भी कहा है कि लेकिन यह जाति जनगणना केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण को फायदा पहुंचाने के लिए होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण या चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब RSS अगर, मगर, किंतु, परंतु के साथ ही
अगर जाति में गिनती की बात को मान रहा है तो यह भी राहुल गांधी का असर है और साफ साफ मोदी को संदेश भी है कि उनकी मनमानी से ही देश नहीं चलेगा। आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर में मोदी ने कहा था कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, याद है ना आपको। उस समय नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। ये हटा लीजिए, ये स्क्रीन यहां नहीं है। महिला, मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। उन्हें सशक्त बनाने से देश मजबूत होगा। अब इन चारों वर्गों के जो हाल हैं वो तो आप देख ही रहे हैं दोस्तों, और मोदी इन्हें मजबूत करने की जगह फिलहाल बीजेपी संगठन की मजबूती में लगे हुए हैं। खैर, बीजेपी में संगठन की मजबूती, और उसमें उन्होंने आज फिर से अपने कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। वो तस्वीरें आप लोग कुछ और चैनल्स पे खूब देख रहे होंगे, लेकिन हम बात यहां कुछ और कर रहे हैं। बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी की लकीर को मिटाने की कोशिश करती रही और इसमें उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन अब कांग्रेस ने फर्जी खबरों वालों को न बख्शने का ऐलान कर दिया है और आज ही राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को लेकर फर्जी खबरें और गलत सूचना फैलाने के आरोप में बेंगलुरु पुलिस ने एक बांग्लादेशी पत्रकार और भारतीय न्यूज पोर्टल की एक महिला स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की है। राहुल की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों को ये एक बड़ा झटका हो सकता है। और इधर आज सुप्रीम कोर्ट से भी एक झटका उन सरकारों को लगा है जो कानून अपने हाथों में लेकर सख्त प्रशासन का दावा करती आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर सख्त टिप्पणी की है और पूछा है कि सिर्फ इसीलिए किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो आरोपी है। अदालत ने यह भी कहा है कि वो इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तय करने का प्रस्ताव करती है। यह टिप्पणी दोस्तों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि बीजेपी के शासन में यहां खूब बुलडोजर कार्रवाइयां की गई हैं, हुई हैं। तो बीजेपी को आज एक के बाद एक झटके लगे, अभी देख रहे हैं कितने सारे झटके, और कांग्रेस ने उसे चौतरफा घेर भी लिया है। शुरुआत कर रहा था, और शुरुआत में जो बात माधवी बुच की बात जो कर रहा था, आइए उधर चलते हैं। दरअसल आज सेबी प्रमुख माधवी बुच पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ICICI बैंक में लाभ का पद संभालने और बैंक और उसकी सहायक कंपनियों से 16 करोड़ 80 लाख रुपए का भारी लाभ माधवी बुच ने हासिल किया है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, जरा इसको पहले सुनते हैं। आज कांग्रेस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट कर रहे थे पवन खेड़ा। इन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। अब तनख्वाह ले रही हैं, वायलेशन है नंबर एक। नंबर दो, इस दौरान ICICI के कई केसेस इन्वेस्टिगेशंस सेबी के हाथ में हैं, सेबी उस पर एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर जजमेंट दे रहा है। बताइए ये क्या हो रहा है इस देश में? ये चेसबोर्ड के खिलाड़ी कौन है, शतरंज के खिलाड़ी हैं कौन? कौन है जो उनको ये भी डर नहीं है कि इतने कैमरा हैं, इतने खुलासे हैं, ये कभी भी खुलासे हो सकते हैं? आपका नया इंडिया है तो ये भी नई कांग्रेस है, बहुत खुलासे करती है और डरती नहीं है ये पार्टी किसी से। फिर भी बेशर्मी से ये हो क्या रहा था कि आप ही ICICI के केसेस पर जजमेंट देते हैं, आप ICICI से सैलरी लेते हैं? हमारे सवाल तो बनते ही हैं, और सवाल सिर्फ सेबी से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ सेबी की चेयरपर्सन से नहीं होंगे, सवाल सिर्फ ICICI से नहीं होंगे, सवाल प्रधानमंत्री से होंगे, ये साहब से होंगे जो सामने आपको दिख रहे हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये ACC इनके अंडर है, प्रधानमंत्री से पहले सबसे हम सवाल पूछेंगे कि आप जब रेगुलेटरी बॉडी के हेड को चुनते हैं, कि जब नियुक्ति करते हैं,
उसका क्राइटेरिया आपकी नजरों में होता क्या है? व्हाट इज द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया टू अपॉइंट हेड्स ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। दूसरा सवाल हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि जो ACC है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसके सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री खुद हैं, उनकी अध्यक्षता की ये ACC है, क्या ये चौंका देने वाले तथ्य उस ACC के सामने आए थे अपॉइंटमेंट के वक्त या अपॉइंटमेंट के बाद आए थे और नजरअंदाज कर दिए? तो साहब हम क्या कहें, आप ही समझ जाइए। और नहीं आए थे, कैसी सरकार चला रहे हो साहब? तो कैसे सरकार चला रहे हो साहब? आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने पहले ही माधवी बुच पर सवाल उठाए हैं। अब कांग्रेस ने बताया है कि 2017 से 2024 के बीच माधवी बुच को ICICI बैंक से, ICICI प्रूडेंशियल से और कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं और ICICI से TDS भुगतान के रूप में भी मिले हैं, और इसके अलावा उन्हें SEBI से 3,30,00,000 का वेतन भी मिला है। कांग्रेस ने पूछा है कि सवाल केवल SEBI अध्यक्ष या ICICI से नहीं है, बल्कि ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी उठाए जाने चाहिए, उनसे भी पूछे जाने चाहिए। जो भी आप सुन रहे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सदस्यों से भी पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली ACC जो है उसको इन वित्तीय संबंधों के बारे में पता था। कांग्रेस की इस घेराबंदी में फंसी हुई BJP क्या खुद को बचा पाएगी? दोस्तों एक बड़ा सवाल है। तो इधर आप देख लीजिए, माधवी बुच का मामला हो या मामला सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर राजनीति का हो, या मामला बुलडोजर राजनीति कहें, बुलडोजर एक्शन कहें, या मामला राहुल गांधी के अलग अलग एक्शंस के भी हो, जिसमें राहुल गांधी आज दिल्ली कैंट पहुंचते हैं, कभी DTC बस में घूमते हैं, कभी कुछ और जगह जाते हैं, ये सब आप लोग देख चुके हैं। और इसके अलावा जाति जनगणना की बात हो, जिसको लेकर अब RSS जो है वो राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या तो सवाल बात यहां बिल्कुल सामने इस ढंग से आती है कि कोर्ट की फटकार और कांग्रेस की ललकार, ये दोनों यहां सामने है, और इन सबके बीच आखिर कैसे चलेगी सरकार, मोदी सरकार? आइए जरा पूछते हैं अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों से कि इन सब के बीच कैसे चल रही है या कैसे चलेगी नरेंद्र मोदी की सरकार। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए यहाँ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। जयशंकर जी जुड़े हुए हैं एक गैप के बाद, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, आखिर कैसे चल रही है ये सरकार? कोर्ट बुलडोजर पे कह रहा है कि डायरेक्टिव होना चाहिए, फटकार लगा रहा है कोर्ट, दूसरी तरफ कांग्रेस SEBI के मामले में यहाँ बिल्कुल मुखर होकर बात कर रही है, जनगणना के मामले में आप देख लिए, जाति जनगणना के मामले में RSS भी कांग्रेस के साथ है, राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ है, और जो राहुल गांधी या विपक्ष के साथ आता है उसको किनारे लगाने की कोशिश पिछले दिनों हो रही है। KC त्यागी को आपने देख लिया, और ऐसी ही नाराजगी सुनी जा रही है चिराग पासवान से भी हो गई है सरकार की। इन सब के बीच कैसे चल रही है सरकार? धन्यवाद राजीव जी। सरकार अपना घिसट घिसट के चल रही है, सरकार का कोई इकबाल नहीं है, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है, सरकार को लेकर के जो विभिन्न संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके मन में भी तरह तरह के सवाल है। प्रश्न इस बात का है कि जो आपने कहा कि RSS कांग्रेस के साथ है, RSS का बयान ना पढ़िए ना, कि एक संवेदनशील मुद्दा है, बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है, देश के प्रगति का सवाल है, और अगर इस पर बात लोगों के बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? राजनीतिक दल इस बात का इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएगी, इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाएगा, इसको राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बनाया? राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएंगे तो क्या धार्मिक मुद्दा बनाएंगे? उसको धार्मिक मुद्दा है, ये एक लीपा पोती की कोशिश है, विषयांतर करने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं भी और आपके साथ नहीं भी है। यह विषय तो गंभीर है क्योंकि जनता इसको स्वीकार करने लगी है, लेकिन जिस तरीके से इस बात को उठाया जा रहा है उस पर सवाल पैदा किए।
कैसे हो सकता है ये? तो आप ये मत कहिए, वो तो केवल कांग्रेस के इस मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश है, उसमें हिस्सेदारी बटाने की कोशिश है, उसमें यह कहने की कोशिश है कि हम भी उसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात करने का तरीका अलग है। क्योंकि जाति जनगणना से सरकार घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी अनुसंगिक संगठन घिरे हुए हैं, इसलिए उनको यह बात करनी पड़ी, क्योंकि जनता ने इसको स्वीकार किया है कि एक ऐसा विषय है जो सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ, जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन संघ की भाषा वह नहीं है जो बीजेपी कांग्रेस कह रही है, वह नहीं है जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले अन्य दल कह रहे हैं। इनके कहने का अपना एक अलग ढंग है, और मेरा अपना मानना यह है कि यह कांग्रेस के इस एजेंडे को या सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के इस एजेंडे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। निश्चित रूप से इसका असर सभी समाज पर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने समुदाय के बीच में संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हम भी उस विषय विचार कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोचने का तरीका अलग है। क्यों करेंगे भाई, जाति जनगणना एक विषय है, निश्चित रूप से संवेदनशील विषय है, लेकिन संवेदनशील के साथ साथ अति महत्वपूर्ण विषय है, लोगों की सामाजिक तरक्की से जुड़ा हुआ विषय है। बात कीजिए, आप खुल के बात कीजिए, लोगों का विश्वास अर्जित कीजिए, लोगों से तरह तरह के आप फीडबैक लीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, लेकिन इतना संवेदनशील थोड़े किसी बात ही नहीं की जाएगी। इतना संवेदनशील विषय थोड़ा है कि इसके लोगों के बीच में इसको आप लेके नहीं जाएंगे, क्यों नहीं लेके जाएंगे, ये 2-4-10 लोग बैठ के इस पर थोड़ी बातें कर लेंगे, ये एक आम आदमी से बहस कर रहा है, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। दूसरी चीज की जो आपने बात कही कि कोर्ट के फटकार की, सवाल है कि अगर न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया, सुनने के लिए तैयार हुआ, तरह तरह की टिप्पणियां की, न्यायालय आप ये सरकार भी नहीं कहती है, प्रशासन भी नहीं कहता कि जिनका मकान गिराया गया है वो इसलिए गिराया गया है कि वो किसी मामले में वांछित थे, किसी मामले में नहीं कहा गया आज तक। वो कहते क्या है कि जो मकान गिराए गए हैं वह नियमों के विरुद्ध बने हैं, जो मकान गिराए गए हैं वह अतिक्रमण के आधार पर बने हैं, जो मकान गिराए गए हैं वह सरकारी जमीन पर बने हैं, ये लिया गया है। किसी अभिलेख में आपको यह नहीं मिलेगा कि यह मकान इसलिए गिरा दिया गया कि इस मकान का मालिक या इस मकान में रहने वाला व्यक्ति, इस मकान में रहने वाला किराएदार इसलिए मकान को गिराया जा रहा है जो किसी मामले में वांछित है। सवाल इस बात का है, अगर आप मकान क्यों गिरा सकते हैं, आप ही आरोपी होंगे, आप ही साक्ष्य लाएंगे, आप ही निर्णय भी ले लेंगे और आप जाकर गिरा भी देंगे, तो फिर न्यायालय क्या करेगा? किसी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, सुनियोजित नगरीय विकास की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, नागरिक हितों की, नागरिक सुविधाओं की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर इसका कोई अवहेलना करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा कि आप आरोप भी लगा लेंगे और आप उसका मकान भी गिरा देंगे? मान लिया गया, मानते चले किसी ने अवैध निर्माण किया है, तो अवैध निर्माण जिस मकान पर हाथ डाल लिया उसी का अवैध निर्माण है। आप सरकारी मंत्रियों के घरों में चले जाइए, जो उस मकान का नक्शा है, क्या हम लोगों ने उस मकान के नक्शे को महफूज रखा है? किसी के मकान में चले जाइए, आप किसी के घर में उठिए इस स्टूडियो से और कहिए कि साहब घर हमको दिखा दीजिए, सबके मकानों में सबके घर बने हुए हैं और सबने अवहेलना की है मानकों की, जो स्वीकृत नक्शे हैं उसके विपरीत बने हुए हैं, मकान गिरा देंगे आप? क्या वो मकान का विवाद लेकर के मुकेश अंबानी के मकान को लेकर विवाद नहीं चल रहा है, अब उस मकान को गिरा देंगे? वो लोग न्यायालय नहीं गए हैं कि साहब वक्त की जमीन है, किसी को बेचने का अधिकार नहीं है, और बेचने का भी अगर किसी को देने का भी अधिकार है तो उसको आप रिहायशी मकान के रूप में नहीं बदल सकते, वो जिस मकसद के लिए दिया गया वही उसका उपयोग होगा। तरह तरह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही अलग का सवाल है, लेकिन अगर कोई विवाद पैदा होगा तब कहेंगे नहीं साहब इस मकान को हम गिराएंगे, न्यायालय तय करेगा कि हमें क्या गिराया जाना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए। जी, न्यायालय ने बिल्कुल सही कहा कि आप इस पे एक दिशा निर्देश तय कीजिए। दिशा निर्देश इस बात का होना चाहिए कि अगर आपको किसी मकान का ध्वस्तीकरण करना है, मकान तो गिरे हैं, न्यायालय ने गिरवाया, सुप्रीम कोर्ट गिरा है, आप याद कीजिए ट्विन टावर्स इन नोएडा में गिरा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिराया जाएगा, वह हमारे आपके पैसे से बना था, हमारे आपका पैसा मतलब जो खरीदार थे उनके पैसे से बना हुआ था मकान, वो मकान बने हुए थे, नियमानुसार गलत थे, तमाम मानकों का विरोध हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने गिरवा, मैं तमाम बहुमंजिले भवन हमारी आपकी जानकारी में जिनको न्यायालय ने गिरवा दिया, लेकिन न्यायालय के परिधि में बात आई, सरकार ने प्राधिकरणों ने निर्णय ले ही रहे। इसमें भी होना चाहिए कि अगर कहीं अवैध निर्माण है,
अगर कहीं सरकारी जमीन पे कब्जा है, वहां पर 30-40 साल 50 साल के मकान बने हुए हैं, तो जिनकी देखरेख में, जिनकी मौजूदगी में, जिनकी तैनाती के दौरान ये मकान बन गए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक मकान नहीं बनवा सकते। मेरा अपना मानना यह है, मेरी अपनी समझ है कि कोई भी गैर कानूनी अवैध निर्माण सरकार और प्रशासनिक संरक्षण के बगैर हो नहीं सकता। एक ईंट नहीं रख सकते आप कहीं, आपके दरवाजे पर मकान गिर, अब बालू गिरे, सीमेंट गिरे, ईंट गिरे, आप देखिए कितने लोग पहुंच जाते हैं वहां, कैसे मकान बन जाते हैं। नदियों का जो इनकैचमेंट एरिया है वहां मकान बन गए, हर बार वहां पे बाढ़ की बात कही जाती है, क्यों बन जाते हैं? और वहां बन ही नहीं जाते, वहां नागरिक सुविधाएं पहुंच जाती है, वहां सड़क बन जाती है, वहां सीवर लाइन चली जाती है, वहां बिजली के खंभे लग जाते हैं, कैसे चले जाते हैं? अगर वह नजूल की जमीन है तो क्यों हो गया? अगर वह जल संग्रहण क्षेत्र है नदियों का तो क्यों निर्माण हो गया? और निर्माण हो गया तो वहां पे इस तरह की नागरिक सुविधाएं कैसे पहुंच गई? सवाल इतने गंभीर सवाल है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो इसका इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ और जो बात कही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन बात केवल कानूनी मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए, सरकारों को ये अधिकार ही नहीं मिलना चाहिए कि आप किसी भी दशा में अतिक्रमण हटाना है तो आप न्यायालय हस्तक्षेप कीजिए। आपको पता हो कि साहब फलां व्यक्ति के दरवाजे पर जो गाय बंधी हुई है वो चोरी की है, क्या खुद लेके चले जाएंगे आप? बिना न्यायालय के आदेश के आप उठा ले सकते हैं क्या? कि नहीं साहब, मैं जानता हूं मेरी गाय, मैं इसको पहचानता हूं, मेरी साइकिल है, मैं इसको पहचानता हूं, लेके चला जाऊंगा मैं? न्यायिक व्यवस्था किस बात के लिए? एक 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 रूल अपला किस बात के लिए होती है? अगर आप उसका पालन, ये न्यायालय सुनिश्चित करेगा निश्चित रूप से किसी का साथ, क्योंकि ये सबको पता है, ये जो लोग बुलडोजर न्याय के पक्षधर हैं, अलाउ कर रहे हैं, ये सबको जानकारी है कि आप मकान नहीं तोड़ सकते, किसी आरोपी का मकान नहीं तोड़ सकते, और टारगेटेड आप करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रकाश हिंदुस्तानी जी को पता है, एक ही जिले में एक ही तरह के अपराध में दो लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं आप, वही प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। एक मामले में एक समूह के लोग आरोपी हैं तो उनका मकान गिरा देंगे, दूसरे समूह के लोग हैं तो उनका पूछेंगे भी नहीं, आप कहेंगे ठीक है विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। आप सरकारी आदेश तो ये होता ना कि विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत, विधि सम्मत प्रक्रिया क्या है? आप अवैध निर्माण गिरा न्यायालय के पास जाइए। जी सुनील जी, कोई भी विषय, मेरा अपना मानना यह है कि जितने विषय उठ रहे हैं ये सरकार के लिए चुनौती, सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है, उसको यह अंदाजा है कि यह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किए बगैर वह इन तरीकों से अपने राजनीतिक लक्ष्य नहीं पूरे कर सकते, इसीलिए लगातार हमले हैं। आप लगातार हमले आप देखिएगा, और वह कोई भी व्यक्ति, वह कोई भी व्यक्ति विपक्ष या कांग्रेस के अभियान के खिलाफ है जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहता है। सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ खड़े होने वाले लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही उनके हित सुरक्षित हो सकते हैं। इन किन प्रकार ने अपना लाभ लेना चाहते हैं, नियमों को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में सेंध लगाना चाहता है, उनको इन विषयों पर आपत्ति है, जिन विषयों को कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, चाहे विपक्ष उठा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना, इसलिए जब संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने वाले का जब सवाल पैदा हो रहा है लोगों के बीच में, तो सरकार को बेचैनी हो रही है। जी, न्यायालय जब हस्तक्षेप कर रहे हैं तो सरकार को बेचैनी हो रही है, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सही बात है कि आप एक हितों का संघर्ष नहीं है, आप आर्थिक लेन देन के विनियमन के लिए आपकी संस्था है, उस संस्था के आप प्रमुख हैं, और आप उस प्रमुख संस्था में बैठकर एक आर्थिक संस्थान से आप दो दो संस्थाओं से पैसा ले लेंगे। मैं नहीं जानता कि आरोप सही है या गलत है, अगर आरोप सही है तो गंभीर सवाल है। ये तो आते हैं सुनील जी, आते हैं उस पे, थोड़ा सा समय की कमी रहती है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा जी 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 आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास। जिस तरफ लेके जा रहे थे सुनील जी, माधवी बुच की बात की तरफ ले जा रहे थे सुनील जी, और दो तीन मसले ऐसे हैं जिस पे अगर हम सब लोग बात करने लगें तो शायद मुझे लगता है कि 2 घंटा 1.5 घंटा तो बहुत ही कम होगा, 2-2.5 घंटा चाहिए, इसीलिए अलग अलग मुद्दों पे हम लोग चर्चा करें ताकि एक और फाइनल उस पे आएँ, किसी एक मुकाम पे पहुँचें। और सबसे बड़ी चीज़ प्रशांत जी, आज सुबह कल से ये खबर चल रही थी कांग्रेस का एक बड़ा खुलासा, कांग्रेस ने कल से ही इसको प्रसारित किया था, प्रचारित किया था, आज बड़ा खुलासा में, और जैसा लग रहा था आपसे भी बात हो रही थी कल रात को, तो आप बता भी रहे थे,
बड़ा खुलासा में वही निकला जो माधवी बुच का मामला है, जिस तरफ अभी सुनील शुक्ला जी लेके जा रहे थे। और ज़रा यहाँ समझना चाहता हूँ कि ये कितना असरकारी हो सकता है, क्या कांग्रेस इस मसले को उठाकर, क्योंकि ये एक ऐसा मामला, क्या ये जन जन तक ये मामला पहुँच सकता है, सेबी का मामला और कितने लोग इन्वेस्टर्स हैं, या सेबी से इधर अदानी तक, माधवी बुच तक, और जिस ढंग से आज कांग्रेस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को की है, इसके ज़रिए कहाँ तक ये बात पहुँच सकती है प्रशांत टंडन जी? जी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी आ गया था कि अडानी की शेल कंपनीज में माधवी बुच के इन्वेस्टमेंट है, उनसे उनका जुड़ाव हो रहा है, उनकी कंसल्टिंग कंपनी का भी जुड़ाव हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात तभी भी आ गई थी। आज की रिपोर्ट में दो बहुत खास बातें हैं राजीव जी। आपने शुरुआत में कहा कि सरकार चल कैसे रही है। आज का कांग्रेस का खुलासा ये बताता है कि सरकार चल कैसे रही है। देखिए, ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने नहीं किया है, ये किसी खोजी पत्रकार का काम भी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया है। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, आमतौर पे सरकार की नीतियों की आलोचना करती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बातों पर प्रतिक्रिया देती है। यही दो काम आमतौर पे पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां कभी अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं। ये एक नई चीज हमको इसमें देखने को मिली है। माधवीपुरी बुच, जैसा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा है कि उनको आईसीआईसीआई बैंक से 12,63,00,000 का की इससे भी ऊपर की सैलरी मिली 2017 से लेकर 2023-24 तक। उसके बाद कोई 22,00,000 रुपए उनको इनकम हो रही है आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल से, उसके बाद ईसॉप्स है, कुल मिला के 16,80,00,000 से भी ऊपर पैसा उनको आईसीआईसीआई के मार्फत मिला है। और सेबी से उनकी तनख्वाह इस दौरान बनती है 3,30,00,000। ज्यादा पैसे वो आईसीआईसीआई बैंक से उन्होंने कमाया, और आईसीआईसीआई बैंक के और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के दोनों के मर्जर को लेकर सेबी के फैसले पर गंभीर सवाल खड़े हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक मुफ्त में पैसा नहीं दे रहा था, पहली बात। दूसरी बात, आईसीआईसीआई बैंक ने पूरी जो रकम है, अगर किसी को इतनी बड़ी वो सैलरी दे रहा है तो एनुअल रिपोर्ट में वो आता है, रिफ्लेक्ट होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये रकम एनुअल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो जब एनुअल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कांग्रेस के पास कहां से आ गया? यहीं पे आपके सवाल का जवाब है कि सरकार चल कैसे रही है। जी, कांग्रेस के पास जाहिर सी बात है कि सरकार के अंदर के लोगों ने ये बात लीक की है। जी, तो सरकार के अंदर भी अब विभीषण हैं जो कि चीजों को लीक कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक मीडिया हाउस को इसी सेबी के मौजूदा बोर्ड के एक मेंबर ने, डायरेक्टर ने, बिना नाम बताए ये भी बताया है कि माधवीपुरी बुच ने अडानी के जांच में अपने आप को अलग नहीं किया था। ये सब बातें सेबी के अंदर से, ये सब बातें सरकार के फाइलों से निकलकर कांग्रेस पार्टी और मीडिया तक आ रही है। तो सरकार तो ऐसे चल रही है। माधवीपुरी बुच के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, अभी भी कोई उम्मीद नहीं कि एक्शन होगा, लेकिन इससे सरकार के ऊपर बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं। स्टॉक मार्केट की क्रेडिबिलिटी बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, इन्वेस्टर्स के हितों के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो माधवीपुरी बुच का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ,
क्योंकि पहली नॉन आईएएस है जो सेबी की चीफ बनी है। अभी तक परंपरा ये रही है कि सेबी का चीफ वो बनता है जो आईएएस रहा हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रहा हो या ऐसे इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज में उसका तजुर्बा रहा हो। आईएएस पहली नॉन आईएएस है, तो कैसे बनी और जिस वक्त उनको बनाया गया उस वक्त वो अडानी के साथ उनके फाइनेंशियल हित जुड़े हुए थे ओवरसीज उनकी शेल कंपनीज के मार्फत, तो ये भी आगे पीछे कभी आएगा कि इनको सेबी में रखवाया किसने और इन्होंने क्या क्या फायदे पहुंचाए। तो ये भी ऑन गोइंग अनफोल्डिंग ड्रामा है जिसके अभी आज आपने एक एपिसोड देखा, इसके आगे आने वाले और भी एपिसोड होंगे। पवन खेड़ा भी ये बात कह चुके हैं कि अभी ये शुरुआत है जी। दूसरी बात जातिवाद जनगणना की और बुलडोजर की, थोड़े संक्षेप में बात करूं क्योंकि बहुत सारे सब मुद्दे हैं आज, राहुल गांधी का भी है एंगेजमेंट का, उस पर मैं अगले और बात करूंगा। लेकिन कास्ट सेंसस पे ये राहुल गांधी की और इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बड़ी जीत है कि आरएसएस को इस पे आना पड़ा, शर्मा के आना पड़ा, तमाम सारे ना नुकुर के साथ आना पड़ा और इस तरीके से आना पड़ा कि एक तरीके से उस डिमांड को वो खारिज ही कर रहे हैं। सुनील जी कह चुके हैं लोकतांत्रिक देश है हमारा, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, तो जातिवाद जनगणना होगी तो उसका राजनीति में इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, जनता के बीच राय शुमारी क्यों नहीं की जाएगी उसके बारे में। ये नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, ये लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होते हैं, चुनाव में तमाम तरीके के मुद्दे आते हैं। लेकिन आरएसएस को क्यों आना पड़ा, इसमें मुख्य सवाल ये है, आरएसएस अब महसूस कर रही है कि राहुल गांधी के नैरेटिव की वजह से उनकी सोशल इंजीनियरिंग में छेद हो रहे हैं जी। वो दुकान अब चल नहीं पाएगी, वो धोखाधड़ी अब चल नहीं पाएगी, उनको समाज दिखावे के लिए सही सामाजिक न्याय के विमर्श में आना पड़ेगा। ये आरएसएस की बड़ी हार है, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत है। आरएसएस इसको कभी भी इसको मानेगा नहीं, उसने इसीलिए तमाम सारे राइटर्स लगा कर कंडीशन अप्लाई करके उन्होंने इस बात को रखा, लेकिन आना पड़ा इसीलिए कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग में छेद हो रहा है जी। तीसरी बात तो बुलडोजर जस्टिस की बात है, वो मैं जब अगले राउंड में आऊंगा तब बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बुलडोजर जस्टिस की बात हो या इधर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो या राहुल गांधी के करीब पहुंचते हुए आरएसएस की बात हो, इन तमाम मसलों को अगर देखें तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये सरकार कैसे चलेगी, कैसे चलेगी मोदी सरकार। हम लिख भी रहे हैं और कोर्ट की फटकार और कांग्रेस की ललकार दोनों है, इन सब के बीच आखिर कैसे चलेगी। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाह रहा हूं, और इन तीनों चारों मसलों पे अगर बात की जाए देखा जाए तो कैसे चल रही है ये सरकार। राजू जी मजे में चल रही है, करप्शन का रेट तय है, कोई झगड़ा नहीं है, सब रेट तय है, कितना कमीशन मिलना है सबका तय है, सेबी में नियम कैसे दुरुपयोग किए जाते हैं यह तय है, संघ के लोगों को तय है, वोटों का ध्रुवीकरण कैसे करना है यह तय है। अब जैसे जिस इंदौर के जिस सज्जन को जिस कंपनी को के पास 18 लाख रुपए का कर्जा चुकाने को पैसे नहीं थे, श्याम सुंदर मुंदड़ा, उनकी उजास कंपनी गुजरात चली गई इंदौर वाले की और वो कंपनी 4,900 करोड़ की हो गई 4 साल में। तो इतना अच्छा देश चल रहा है, 4 साल में जिसके पास 18 लाख नहीं थे वो 4,900 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो कितना अच्छा देश। देखिए एक और चीज दिख रही है बड़ी दिलचस्प है कि अभी जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन 4 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है और वो तय कर रही है किस किस के सिर पे मतलब भांडा फोड़ा जाए, बलि का बकरा कौन बनेगा। तो हरियाणा में हो गया है, हरियाणा का की हार के क्रेडिट दे देंगे, हार का कारण बता देंगे कंगना रनौत को, महाराष्ट्र में हार का कारण बता देंगे बेचारे देवेंद्र फडणवीस को। तो सब जगह उनका तय हो रहा है कि क्या क्या होना है। जो बात सेबी की चीफ को लेकर है, सेबी की चीफ मतलब एमएसएमई आईपीओ में 100 में से 99 एमएससी एम
एसएमई के आईपीओज में घोटाले हो रहे। कोई व्यक्ति किसी ने 5 साल से अप्लाई किया है शेयर के लिए, उसको शेयर नहीं मिलता और वो शेयर जो धांधली हो रही है उसे कोई देख तो जो है वो पवित्र नगरी गुजरात है। जो कंपनियां दूसरे जगहों पे अपना कामकाज नहीं कर पाती गुजरात चली जाती हैं, गुजरात में अपना ऑफिस खोलती हैं और इतना सब सेट है शेयर बाजार में कि उनका काम बिल्कुल बेझिझक बेखटके चलता है। या तो मर्चेंट बैंकर मैनिपुलेट कर रहे हैं या प्रमोटर कर रहे हैं या मालिक कर रहे हैं या निवेशक कर रहे हैं, वो सेबी इन सब की तरफ से आंखें मूंद रहे हैं। और उनके सरगना कौन है आप जानते ही हैं कि कौन सरगना है किसके। ये कांग्रेस की खूबी रही कि कांग्रेस ने निशाने पर लिया सेबी की चीफ को, ये बात बताई कि घोटाले हो रहे हैं और वो किस तरीके से आईसीआईसी प्रूडेंशियल से भी तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसी बैंक से ले रही हैं, 3 जगह से सेबी की चीफ तनख्वाह ले रही हैं। तो ये तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है कि किस तरह से करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन जो मूल घोटालों में आप जाएंगे तो वो अरबों खरबों के होंगे। एक और चीज देखिए, अभी आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने बताया कि हमने विजय माल्या के और चौकसी के कर्जे माफ कर दिए हैं जो 46,000 करोड़ के हैं। तो ये सब चीजें इतनी चुपचाप हो रही हैं, सरकार कोई बयान नहीं देती लेकिन सब चीजें हो रही। इसमें बीजेपी को चिंता इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर, बुलडोजर न्याय पर जो डंडा मारा है, जो चुनौती दी है, ये बहुत चौंकाने वाली है और लोगों में उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट ही जो कुछ कर सकती है। कि और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगर कोई अपराधी भी है तो भी उसका मकान आप उचित विधि के बिना नहीं तोड़ सकते। तो इतनी साफ बातें करने के बाद जो, और ये हमारे यूपी में तो योगी जी प्रचार करते थे कि हमने इतने हजार अतिक्रमण हटाए, इतने हजार करोड़ की संपत्ति को हमने बुलडोजर से ध्वस्त की। और हमारे मध्य प्रदेश में अभी सुनील शुक्ला जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो ये कि किसी ने किसी के ऊपर, दलित के ऊपर पेशाब कर दिया, उसका घर तोड़ दिया। खरगोन जिले में मस्जिद के बाहर दंगाई घूम रहे थे तो मस्जिद तोड़ दी गई कि साहब इनके कारण मस्जिद से लोगों को भड़काया गया। छतरपुर में कांग्रेस के नेता का घर तोड़ दिया गया जब उसके घर पे कोई भी नहीं था। 20 करोड़ का की हवेली तोड़ी गई और वो हवेली ऐसे तोड़ी गई कि वो उसके परिसर में रखी 3 कार बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। तो ऐसा लगता है कि सरकार, किसी दूसरे देश की सरकार अपने देश के लोगों पर एक्शन ले रही है, कानून का पालन करने वाला कोई नहीं है। और कहा यह जाता है कि अतिक्रमण किया हुआ मकान हमने तोड़ा, अतिक्रमण का हिस्सा तोड़ा और मतलब अब जाके इस पर कभी रोक लगेगी, लेकिन बीजेपी इसके बहाने वोटों का ध्रुवीकरण तो कर ही रही थी। तो ये मुझे लगता है मोदी सरकार को अपने आने वाले दिनों की आहट आ गई है और अब उसे नए नए बकरे चाहिए या बकरी चाहिए किसकी वो बलि चढ़ाएं और कहें कि देखिए इन लोगों की लापरवाही से, इन लोगों की मूर्खता से हमारी स्थिति खराब हुई है और मोदी जी पर कोई आंच न आए, ये बीजेपी की आला कमान का नजरिया लगता है मुझे। राजीव जी, जी जी बिल्कुल जयशंकर जी, लेकिन एक जो आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक जो हुई और उसमें उसके बाद से जो टिप्पणी है आरएसएस की, जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जरा आरएसएस का बयान ले आइए स्क्रीन पे और जरा समझना चाहता हूँ आपके जरिए कि ये राजनीति कहाँ तक जाती है। देखिए आरएसएस का बयान है, सुनील अंबेकर मुख्य प्रवक्ता हैं, लिख रहे हैं कि जाति, बोल रहे हैं, जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। कभी कभी सरकार को संख्या की जरूरत होती है और उसने पहले भी इसी तरह की प्रैक्टिस की है, ये कहना है। और इसके अलावा, लेकिन ये यानी जाति जनगणना केवल उन समुदायों और जातियों के कल्याण को फायदा पहुंचाने के लिए होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल राजनीतिक उपकरण या चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए ये तो बाद की बात है, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए,
ये आरएसएस का कहना है। और आप याद कीजिए, जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर जब जाति जनगणना की बात आती है तो आरक्षण की बात भी आएगी। और 2014 की टिप्पणी, आपको आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी याद होगी बिहार जाकर, जो उन्होंने कही थी। तो ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ये बदलते हुए या मौसम का जो बदलता हुआ रुख है, बदलती हवा, उसका ये फर्क यहाँ दिखाई दे रहा है या कुछ और है, या यहाँ से कुछ संदेश नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लिए है, क्या कैसे देखा जाए? नहीं राजीव जी, पहले तो ये समझिए आप कि जो केरल में बैठक हो रही है वो क्यों हो रही है। वो एक तरह की समन्वय बैठक है भाजपा और आरएसएस के लोगों के बीच में। और भाजपा का हाल में जो राजनीतिक ग्राफ बहुत तेजी से गिरा है, जो 303 से सिमट करके 240 पे आ गए हैं, वो तो उसको कैसे, उसके जो जनाधार उसे छिटका है या छिटक रहा है, उसको कैसे वापस जोड़ा जाए, इस पर मंथन और चिंतन करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। हालांकि आरएसएस के लोग लगातार यही कहते हैं कि भाई हमारा तो राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा का जो भी संगठन प्रभारी महासचिव होगा वो आरएसएस का ही होगा, ये बात भी तय है। और कास्ट सेंसस की बात में देखिए, बहुत गोलमोल बयान है ये, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। आप एक चीज याद रखिए कि जैसे आप याद दिला रहे थे कि बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें मोहन भागवत ने कहा था कि भाई अब समय आ गया है जब आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। पहले हम लोग कहते थे कि आरएसएस के दशानन का रूप है, उसके 10 मुंह है, अब पता नहीं उसे और भी ज्यादा मुंह बढ़ गए हैं, उसके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है, तो 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अब तो आरएसएस का खुद ही अपना ही कई मुंह हो गया, कई चेहरे हो गए हैं। मोहन भागवत कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, सुनील अम्बेडकर अभी कुछ का और कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं मैं, ये जिसकी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मुझसे बड़ा पिछड़ा कौन है, पिछड़ों का हितैषी कौन है, 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, उसी मसले पर बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस लिया था। और जॉर्ज फर्नांडिस को फोन करके आडवाणी जी ने कहा कि भाई बीपी सिंह ने हमको कहीं का नहीं रखा है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं जा रहा हूं अब राम रथ यात्रा निकालने के। बीजेपी ने मंडल के खिलाफ कमंडल धारण कर लिया था और जो उनकी राम रथ यात्रा थी उसके सारथी थे नरेंद्र मोदी, जो आज खुद को सबसे बड़ा पिछड़ा हितैषी हो, ओबीसी और तेली और क्या क्या सब बोलते रहते हैं। तो इसलिए इन लोगों का, मैं तो बार बार चुनौती के साथ एक ही चीज कहता हूं कि भाई मोहन भागवत जी, आपके नेतृत्व में अगर कुछ बहुत अच्छी बातें आप सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो इसी तरह की किसी बैठक में मनुस्मृति को आग लगा दीजिए, कहिए कि साहब ये बहुत मोगापंथी और दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, वंचित तबके का विरोधी, सारे लोगों का विरोधी, शूद्रों का विरोधी ये है, मनु संहिता मनु स्मृति की कोई जरूरत नहीं है इस देश और समाज को, आप आग लगा दीजिए ना, आप एक बार भी नहीं करेंगे। आपके मन में तो यह है कि चूंकि इशू बन गया है, राहुल गांधी ने या इंडिया अलायंस के अन्य नेताओं ने जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या और लोग हैं, इन्होंने इसको ऐसा इशू एक बना दिया है कि आप मजबूर है उसके आगे, उसके इधर उधर जाने का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो आप सोशल इंजीनियरिंग तथा कथित कर रहे थे वो ध्वस्त हो चुकी है, तो इसलिए आपकी मजबूरी है, कोई ना कोई आपको लाइन ले, लेकिन अभी तक कहा केंद्र की सरकार ने तभी इस पर कोई फैसला नहीं किया, अभी तक तो जाती है क्या, जनगणना ही की बात नहीं तय हो पाई है, जनगणना हो जाए, 2011 के बाद तो राष्ट्रीय जनगणना भी नहीं हुई है। तो एक तो ये सवाल है, देखिए ये मत तो रहा है, समाज को भी मत रहा है, बहुत सारे चेहरों के नीचे के चेहरे उभर करके सामने आ जा रहे हैं, चमड़ी के नीचे की चमड़ी बाहर आ रही है, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हैं, बातें लंबी चौड़ी करेंगे साहब, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, सबको इसका अधिकार है, लेकिन जब बात आएगी कास्ट सेंसस की, कह रहे साहब इससे तो समाज टूट जाएगा, देश टूट जाएगा, वो कह रहे हैं ना बार बार सुनील अम्बेडकर कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखना होगा और उन्हीं को फायदा मिलना चाहिए, किनको फायदा मिलना चाहिए एक बार वो भी साफ करके बता दिए होते आप, जाति जनगणना का किसको फायदा मिलना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि 1952 से लेकर के अभी तक आजादी के बाद के वर्षों में जो विकास की किरणें थी वो कहां पहुंची, कहां नहीं पहुंची, कहां बहुत जगमग रोशनी करने लगी, कहीं
कहां इतने अंधेरा कर दिया कि लोग जीने के काबिल नहीं रह गए हों, उसका निदान खोजने के लिए राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात करी है, ताकि अगर उससे हो जाएगा तो मालूम हो जाएगा कि विकास की किरणें कहां पहुंची है कहां नहीं पहुंची। तो एक तो यह बात है। दूसरी बात जो है माधवी बुज के बारे में जो कहा है, आपने पूछा कि सरकार कैसे चल रही है, सरकार तो बेशर्मी के साथ चल रही है। दुनिया के किसी और देश में जहां लोकतंत्र हो, संसद हो, संसदीय लोकतंत्र हो, वहां अगर इस तरह का कोई मामला उभर करके आया हो तो सबसे पहला काम उस देश के प्रधानमंत्री या सरकार को था कि माधवी बुज जैसी सेबी की किसी चेयरमैन को तत्काल बर्खास्त करें। लेकिन मुश्किल यह है इस मामले में कि अगर बर्खास्त करेंगे तो खुद भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि एसीएस में तो वो भी है भाई। अगर उनका अडानी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और इसकी जानकारी आपको थी तो आपने उनको सेबी का चेयरमैन क्यों बनाया? और अब तो आईसीआईसीआई का मामला जो आ गया है, अब तो आप लगातार उससे वेतन ले रहे हैं और उसके मामलों में फैसले भी कर रहे हैं। अडानी के मामले में आप ही की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा था। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें यह है कि किसी न किसी को, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे, प्रशांत कह रहे थे कि राजनीतिक दल पहले ऐसा नहीं करते थे, नहीं पहले भी ऐसा करते थे लोग। जब 70 के दशक में काफी घोटाले जब उजागर होते थे तो राजनीतिक दल वाले भी निकाल कर लाते थे, घुस कर लाते थे, करते थे। अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विपक्ष की यह हो गई है कि इस मामले को चुनौती अदालत में देनी चाहिए कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि माधवी बुज जो भी है, माधवी पुरी बुज या माधवी बुज जो है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट अडानी के साथ थे कि नहीं थे, और आईसीआईसीआई से वो पैसा ले रही थी कि नहीं रही थी। अगर सरकार को ये जानकारी थी तो फिर अपॉइंटमेंट कैसे हुआ? इस बात को तो अदालत में पूछना चाहिए कि भाई अदालत आप ही पूछ के बता दीजिए, हुजूर हम पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, संसद में करेंगे तो हो हल्ला मचा करके एडजर्न करवा देंगे, हाउस को एडजर्न करवा देंगे, कहेंगे बाहर का मामला है। तो ये दूसरी बात है। इस पर जो है मतलब सरकार एकदम बेशर्म है पूरी तरह से। वो सोच रही है कि कुछ नहीं होने देंगे भाई, किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो माधवी बुज को बर्खास्तगी कैसे होगी। अब तीसरी बात जो है बुलडोजर बाबा की बात आ रही है, बुलडोजर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मतलब जो आया है, जो कमेंट आया है और दिशा निर्देश बनाने की बात आ रही है। सुनील सही कह रहे थे कि आरोपी किसी बात के लिए होता है तो उसके आधार पर नहीं उसका मकान तोड़ा जाता है, या उसकी दुकान या उसका जो भी माल वाल है उसको इसलिए नहीं तोड़ा जाता, बल्कि उसको अतिक्रमण बता करके तोड़ा जाता है। सवाल सिर्फ एक ही है कि इसके पहले क्यों नहीं उसको तोड़ा गया? अगर अतिक्रमण था तो उसका प्रॉपर तरीका है, आप उसको नोटिस दीजिएगा, वो जवाब देगा, उस पर फैसला होगा। अगर अतिक्रमण प्रूव हुआ है तो आप उसको तोड़िए, उसमें क्या दिक्कत है? तो बहुत पहले से भी तोड़ते ही थे लोग। लेकिन जब किसी का खास तौर से अगर वो अल्पसंख्यक समाज का है, खास तौर से अगर वो ओबीसी और दलित समाज का है, उसका नाम किसी मामले में आरोपी के रूप में दो सिद्ध नहीं होता है, सुनवाई पूरी नहीं होती है, सिर्फ आरोप भर लगता है जी। कि इस पर बलात्कार का आरोप है या किसी हत्या का आरोप है या किसी और तरह का आरोप है, आरोप लगते ही उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता है। तो एक तो सिलेक्टिव होता है, दूसरा अगर यही होना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, जिला अदालतों को बंद कर दीजिए, कहिए कि भाई खत्म करिए ना, ये सब नहीं चाहिए हमको, हम एक नए राज में जी रहे हैं, मोदी और योगी के राज में जी रहे हैं जिसमें बुलडोजर ही न्याय करेगा, यही आप तय कर दीजिए। लेकिन उसमें भी सिलेक्टिव कैसे करेंगे आप भाई? बीएचयू में एक आईआईटी छात्रा के साथ बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़कों ने बलात्कार किया था, गैंगरेप किया था, उनके घर तो बुलडोजर आपका नहीं गया। हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार करके उसको जला देने वाले लोगों के घर तो बुलडोजर नहीं गया जी। बाकी बहुत सारे मामले रोज आ रहे हैं, मतलब देश भर के हिस्सों में आपको बंगाल दिखाई देगा, हमारे राष्ट्रपति जी को भी बंगाली दिखाई देगा, सुप्रीम कोर्ट को भी बंगाल दिखाई देगा, लेकिन अंकिता भंडारी उत्तराखंड की नहीं दिखाई देगी। तो ये कैसी बात है भाई? तो ये तो देखना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा मणिपुर यही है दे रहा है, मणिपुर जो जिसको पूरी दुनिया ने देखा, उसमें भी कितनी शर्म की बात है राजीव जी। राज्यपाल अनुसुईया उइके, जिनको मैं बार बार सलाम करना चाहूंगा, उस महिला ने राज्यपाल रहते हुए रोते हुए जो रिपोर्ट दी थी,
उस पर ध्यान नहीं दिया और धीरे से शांति के साथ उनको हटा दिया, राज्यपाल के पद से हटा दिया और राष्ट्रपति को विवादित बनाया, राष्ट्रपति से बयान दिलवाया वो बंगाल के मामले में। ये राष्ट्रपति महिला आदिवासी है लेकिन मणिपुर की आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने थू थू करके देखा, उस पर हमारी राष्ट्रपति महोदया कुछ नहीं बोल सकी। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब सीधा सा ये है कि अगर बुलडोजर का न्याय चलना है तो आप अदालतों को खत्म कर दिए, कानून बनाइए लाइए, अभी भी आपके पास बहुमत तो है, एक कानून लगा करके कह दीजिए। और दूसरा ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइंस तो बननी ही चाहिए। अगर आप बुलडोजर करके किसी का मकान तोड़ते हो, कहते हैं कि इसमें भारी अतिक्रमण हुआ है, तो कब बना था वो मकान, जिस समय बना उस समय वहां के इंजीनियर, वहां के थानेदार, वहां का एसडीएम, जो जो अधिकारी रहे उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की भाई, उनकी देखरेख में ही तो बना था ना, उन्होंने क्यों अतिक्रमण होने दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंधेरा हो गया हो, सारा खजाना चारों तरफ घेर दिया हो और अचानक कोई बिल्डिंग बन के आ गई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, मुश्किल यही है कि जैसा आपने कहा मोदी जी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, उनका ग्राफ उनका गिरते चला जा रहा है। प्रकाश भाई के जबान से कांग्रेस निकल गया था लेकिन बात यह है कि चारों राज्यों में भाजपा हार अपनी दिखाई दे रही है भाजपा को, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे जम्मू और कश्मीर हो, कहीं से भी इनके लिए कोई अच्छी खबर, मतलब अंदरूनी जो सूचनाएं आ रही है जो हम लोगों तक भी छन करके आती है, जो आरएसएस हेडक्वार्टर पे या और जगहों से भाजपा के लोगों के पास जो आती है छन करके, जो उनके अपने अंदरूनी सर्वेक्षण बता रहे हैं कि कहीं पर भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कुछ न कुछ कहीं कहीं खुरपेच लगाया जाए, कहीं कांग्रेस में गुटबाजी बढ़वा दिया जाए, कहीं किसी को तोड़ लिया जाए, किसी को जोड़ लिया जाए। हालांकि भाजपा में एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि देखिए मोदी जी और उनके सिपहसालार, उनके रणनीतिकार इस बात को अभी भी समझ नहीं पाए हैं कि जितने भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके नतीजे लोकसभा के चुनाव में भुगतने पड़े, जितने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, जिनको जेल भिजवाया, उसके उसका खामियाजा भाजपा के लोगों को चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा उसी रास्ते पर भी चल रही है, जहां जहां चुनाव हो रहा है आप देखिएगा कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी, उनके खिलाफ अभी भी मुकदमे चली रहे हैं, कार्रवाई होती जा रही है। हालांकि अदालतों का थोड़ा सा रवैया देखने को मिला है, सुप्रीम कोर्ट कुछ थोड़ा अच्छे काम भी कर रहा है, जो सुन देख खुद के फैसले कर रहा है, उसी से थोड़ी उम्मीद बढ़ती है, नहीं तो बाकी तो बेसरों की सरकार है, इसमें कहीं किसी की कोई उम्मीद नहीं है। जी राजीव जी, जी अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझूं, कोर्ट की फटकार भी है, कांग्रेस की ललकार भी है, लेकिन कैसे चलेगी आगे ये सरकार? राजीव की सरकार तो घिसक घिसक के चल रही है, सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है लेकिन चलाएगा इसको कांग्रेस का कार्यकर्ता। अब सरकार तो सरकार, आरएसएस को भी राहुल गांधी चला रहे हैं। आखिर आरएसएस को मजबूर होना पड़ रहा है कि राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के सवाल को संबोधित करें, भले ही वो अपने तरीके से संबोधित करे, इंफेंट लगा के संबोधित करे, लेकिन आरएसएस को मजबूर होना पड़ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस मसले को उठाया उस मसले पर आरएसएस को संबोधित करना पड़ रहा है। मतलब प्रधानमंत्री ने बता दी थी चार जातियां हैं, और कंगना रावत जो सबसे बड़ी विदुषी महिला है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो कह दिया था जाति की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो इतनी विदुषी महिला के कहने के बावजूद अगर आरएसएस जो है वो राहुल गांधी के उठाए हुए मुद्दों को संबोधित कर रहा है, तो समझ सकता है राजीव जी की सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं जो उन्होंने कहा था, या राहुल गांधी के कार्यकर्ता सरकार को चला रहे हैं। लेकिन इस बीच राजीव जी जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और जो पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट की तो टिप्पणियां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने तरीके से कहा जाए जो बुलडोजर की नीति थी बीजेपी सरकारों की, उनके ऊपर ही बुलडोजर चला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है भी तो उसका मकान तोड़ने के लिए कैसे वो शुरू हो जाएगा। यानी राजीव जी सीधी सी बात है कि जो भी अभी तक सीआरपीसी रही या जो नई न्याय संहिता बन गई है उसमें किसी में भी किसी भी अपराध का दंड जो है वो मकान गिराना बुलडोजर से नहीं है। तो बुलडोजर से मकान क्यों गिराया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एसजी तुषार मेहता शामिल हुए बहस में, उन्होंने भी जो कहा उनका सब हलफनामा सरकार का ये है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो जो अवैध मकान थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। यानी आप बाहर आकर के बताएंगे कि बुलडोजर आपका बहुत तगड़ा है, बाबा जी बुलडोजर को चढ़ के आ रहे हैं,
और सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तब आप बताएंगे कि कुलजोजर ने काम किया वो कानून के दायरे के अंदर रहकर किया। तो ये समझा जा सकता है राजीव जी की 56 इंच की छाती वाली सरकारें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के किस तरीके से नहीं आने लगी है। तो आने वाले दिनों में देखते जाइए किस तरीके से सरकारें चलती है। शायद हो सकता है आप सुप्रीम कोर्ट ही इस पे आ जाए कि डंडा लेकर सुप्रीम कोर्ट को ये सरकार चलानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा वो साफ साफ कहा कि इस मामले पे पूरे देश में जो दिशा निर्देश लागू होंगे और उस पर काम किया जाएगा। किसी भी तरीके से मकान नहीं गिराया जा सकता, अगर कोई व्यक्ति अपराधी भी है तब भी उसका मकान नहीं गिराया जा सकता। और भी साफ किया कि हम किसी भी अवैध निर्माण की रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अवैध निर्माण भी है तो उसको गिराने के लिए भी एक प्रोसीजर होगा और उस प्रोसीजर से ही भी मकान गिराया जा सकेगा। यानी एक प्रक्रिया के तहत मकान जो है आप गिरा सकते हैं, इस तरीके से आके मकान नहीं गिरा सकते। तो ये बहुत बड़ा झटका राजीव जी भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। दूसरा जो आज कांग्रेस ने सवाल उठाया राजीव जी, वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सीधे सीधे कौन खिलाड़ी ने नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने मतलब उनका इशारा था कि मादी वो छोटी खिलाड़ी है, इस बड़ी बड़ा खिलाड़ी इसके पीछे जो है तो चेस में राजा है, वो राजा वही है जो देश का राजा बना हुआ है। यानी कि अब इस लपेटे में सीधे सीधे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये मामला अडानी और हिंडनबर्ग से आगे निकल करके ये काफी आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि कांग्रेस का दावा है कि वो आने वाले दिनों में और भी इस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जाहिर सी बात है कि जो जयराम रमेश ने स्वयं ट्वीट भी किया था प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था, तो ये साफ समझ में आता है कि अब इस आग में प्रधानमंत्री घिरने वाले हैं। ये जो अडानी सेबी और माधिकुज का जो त्रिकोण बन रहा है इसमें अब प्रधानमंत्री का चतुष्कोण बनने वाला है और बीच में अब सेंटर में भी प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ये आने वाले समय में तय हो जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री इसके सेंटर में आते हैं तो ये सरकार राजीव जी कितनी चलेगी हम नहीं जानते। जी जी बिल्कुल। अब जरा आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी आपके पास फिर से और समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर राहुल गांधी की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द अब देश की राजनीति चलती हुई दिखाई देती है। क्या आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के कई नेता चाहे विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल के जो साथी सहयोगी दल हैं यानी एनडीए के सहयोगी दल, वो भी कमोबेश राहुल गांधी की बातों में सहमति जताते हुए नजर आते हैं। इन सबको देखा जाए तो क्या और आरएसएस का जो बयान है जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, कैसे देखा जाए राहुल गांधी की राजनीति? राहुल गांधी लगातार और जैसे अभी कह रहे थे कि अमलेंदु जी की राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, राहुल गांधी सरकार, राहुल गांधी का असर सरकार पे तो ही है। अगर सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बन गए, रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार कोई दलित व्यक्ति चेयरमैन बना, इसका श्रेय राहुल गांधी को ही जाना चाहिए। और ऐसा नहीं था कि सतीश कुमार जी अकेले दावेदार थे, दो और दावेदार थे, मिस्टर एके खंडेलवाल और मिस्टर अजय कुमार मिश्रा। इसमें से एक रेलवे खंडेलवाल साहब रेलवे बोर्ड में है और अजय मिश्रा साहब एक रेलवे में एक जोन के जनरल मैनेजर है। पहली बार इतिहास में हुआ, ये किसका असर है? जो पार्टी अपने राजनीतिक इतिहास में किसी दलित को मुख्यमंत्री तक न बनाई हो वह रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए बाध्य हो जाए, ये असर किसका है? इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? और इस मुद्दे को आगे लेके चलने वाला व्यक्ति कौन है? वह कोई भी राजनीतिक दल, वह कोई भी राजनीतिक गठबंधन, वह कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति करना चाहता है उसको भारतीय जनता पार्टी से अलग ही होना पड़ेगा। अगर वह भारतीय जनता पार्टी के भरोसे राजनीति करने का प्रयास करेगा तो जिन जिन राज्यों में जिन जिन लोगों ने इस पार्टी के साथ स्थिति बनाई है उनको वही असर देखना पड़ेगा जो जनता दल को देखना पड़ रहा है कर्नाटक में और सम्मानित मायावती जी को देखना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में। चिराग पासवान कोई शौकिया नहीं बोल रहे हैं, रामविलास पासवान ने किस तरह के लोगों को तैयार किया, किन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया? क्या वह सामाजिक न्याय की राजनीति नहीं थी? क्या वह सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति नहीं थी? क्या दलित और कुचले हुए दब में पिछड़े हुए लोगों को एक साथ लाने आगे लाने का प्रयास नहीं था? और अगर वह लाने का प्रयास था तो वह ध्रुवीकरण की राजनीति का समर्थक कैसे हो सकता? और अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति के साथ खड़े होंगे तो आपका मतदाता आपके साथ क्यों खड़ा हो जाएगा? हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जब अपने उरूज पर पार्टी की स्थिति रही हो तो उस पार्टी के नाम पर आप चुनाव जीत जाए और आप उस पार्टी के साथ चले जाए। राजनीतिक मुद्दों पर जब सवाल पैदा होंगे, लोगों के बीच विमर्श बढ़ेगा, तो फिर आपके पास उस दल को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन ताकतों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा जो सामाजिक समीकरण की राजनीति, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं या सामाजिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना जातीय विभिन्न जातियों को जोड़ने का कोई सवाल थोड़े है, यह जानने का। जो बिहार की सरकार में बीजेपी ने क्यों नहीं विरोध कर दिया?
जब जातीय जनगणना का निर्णय ले रही थी नीतीश कुमार की सरकार, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, वह भारतीय जनता उनके पार्टी उनके साथ थी जिसने हमारी आपकी जानकारी में बीपी सिंह को की सरकार को गिराया और अतीत में कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया, और हाल में आप देख लीजिए यही बीजेपी की सरकार थी झारखंड में जिसने 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को मिला हुआ था उसको घटा के 7% कर दिया था, यही बीजेपी है। और इस बीजेपी को उसी अनडिवाइडेड बिहार में, उसी बिहार राज्य में जब नीतीश कुमार जातीय जनगणना का सवाल लेकर के आए तो उनके समर्थन करना पड़ा, एक आदमी नहीं बोलने के लिए तैयार हुआ। आप इतिहास साक्षी है कि बीजेपी ने कर्पूरी ठाकुर को क्या क्या नहीं कहा है, आप उन शब्दों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं, और किस तरह की सरकार गिराई गई थी। भारतीय जनता पार्टी कब खड़ी हुई कि आप सामाजिक समीकरण को सामाजिक न्याय की राजनीति कीजिए, क्योंकि अगर वो सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करेगी तो उसका हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर होगा, और हिंदुत्व का एजेंडा जब कमजोर होगा तो वो ताकतें मजबूत होंगी जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती रही। आज स्थिति है कि अब की राहुल गांधी ने इस बात को सीधे सीधे कहा, कांग्रेस भी कभी नहीं कहती थी, आज कह रही है कि नहीं सामाजिक न्याय की राजनीति होनी चाहिए, सामाजिक सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, उन लोगों को आगे लाने की कोशिश होनी चाहिए जो समाज में सबसे पिछड़े वर्ग में बैठे हुए हैं और उनका कोई ख्याल करने वाला नहीं है। अब यह मजबूरी एनडीए के लोगों के में जो अन्य सदस्य हैं, चिराग पासवान की मजबूरी है, चिराग पासवान जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी टीडीपी के साथ क्यों चुप है, अगर टीडीपी के राजनीतिक हितों पर हमला करने लगे, टीडीपी ने क्या कहा कि हम 4% आरक्षण देंगे अल्पसंख्यकों को, आंध्र प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में कब्रिस्तान बनाने के लिए, हज हाउस बनाने के लिए जगह देंगे और पैसा भी देंगे, मौलवियों को उनका वेतनमान देंगे, पैसा देंगे उनको, सैलरी देंगे, विरोध कर लीजिए आप। सवाल है कि कोई भी राजनीतिक दल आप अपने राजनीतिक मुद्दे को क्यों छोड़ेगा, वह ये मुद्दे उनके राजनीतिक पूंजी के आधार है। चिराग पासवान की स्थिति ही है, वो उस मुद्दे से अलग नहीं हो सकते। अगर वो वक्फ की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है उसके साथ खड़े होंगे तो उनका अल्पसंख्यक मतदाता कहाँ जाएगा, और क्यों चिराग पासवान के साथ खड़ा होगा, और अल्पसंख्यक मतदाता अगर चिराग पासवान से या एलजेपी से अलग हो गया तो उनके पास ताकत कितनी बचेगी। यह उनकी बाध्यता है। जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने क्यों इसका विरोध किया, वक्फ की बिल का वजह कि उनके साथ भी अल्पसंख्यक मतदाताओं की चिंता है। अल्पसंख्यकों को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी जो अपने समर्थकों को संबोधित करती है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है, उन दलों के लिए कैसे ठीक हो सकता है जो उनके साथ खड़े होकर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए उनके उनके ये व्यवस्था है कि उनका विरोध करेंगे और कांग्रेस और इंडिया दल समूह का जो एजेंडा है उस पर चलेंगे वो। तो ये बदली हुई राजनीति निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बनाया है इंडिया दल समूह ने उसके उसको छोड़ करके उसके साथ खड़े होने की व्यवस्था है एनडीए के समूह में। आज आप क्यों कर रहे हैं, आज दुष्यंत चौटाला ये कहने के लिए क्यों मजबूर हो गए कि बीजेपी के साथ जाना मेरी गलती थी, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, क्योंकि तो आपका मतदाता जिन किसानों के साथ बीजेपी का यह व्यवहार रहा आप उन्हें किसानों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं, समय हो गया खड़े हो जाएंगे आप और आपका मतदाता आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपका मतदाता कौन है, आपका समर्थक वर्ग कौन है, किन मुद्दों को लेकर के किन बिंदुओं को लेकर के आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप उन मुद्दों की पहचान नहीं करेंगे तो आप राजनीति उपेक्षित हो जाएंगे, कोई पूछने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर आप राजनीति आज भारतीय जनता पार्टी क्यों घिरी हुई है एसएबी के नाम पर, आप कहते थे कि भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, आप कहते थे कि आर्थिक भ्रष्टाचार को हम स्वीकार नहीं कर सकते, न खाएंगे न खाने देंगे, और प्रत्येक नागरिक के आर्थिक हितों की हम सुरक्षा करेंगे। आज जब आपको नहीं बनते बन रहे आप क्यों नहीं कहते हैं कि सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ जो आरोप लगा है चेयरमैन के खिलाफ, ये आरोप गलत है या सही है, अगर ये आरोप गलत है तो आप पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जी। लेकिन अगर आप और ये आप एक सवाल पूछा कि यह मुद्दा कहां तक जाएगा, प्रत्येक निवेशक जो सामान्य निवेशक है, निवेशक दो चार लोग नहीं है, अब आज का वो दौर नहीं रह गया कि कुछ गिनती भर लोग हैं जो बाजार में जाते हैं अपना पैसा लगाने के लिए, सामान्य निवेशकों की संख्या बहुत ज्यादा है, उन सभी के ऊपर इसका असर पड़ेगा। और इसीलिए महत्वपूर्ण विषय हो गया ये कि जिस संस्था के नियमों नियमन कानून
उसके हस्तक्षेप के आधार पर जो बाजार के ऊपर लोग विश्वास हासिल करते हैं, अगर वही पूरी तरह से किसी आर्थिक संगठन या के साथ खड़ा हो, उसे लाभ ले रहा हो, तो कहां लोग जाएंगे, किसके साथ अपनी पीड़ा व्यक्त करेंगे। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार जिस आर्थिक भ्रष्टाचार को रोकने की बात कर रही थी वो उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है, जो लोग आर्थिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने थे उनको संरक्षण देती हुई दिखाई पड़ रही है जी। आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भले किनारे कर दीजिए, लेकिन जो इस तथ्य सामने आ रहा है उसको किनारे कर, मैं नहीं जानता कि आरोप सही है गलत है, लेकिन अगर ये आरोप सही है तो बहुत गंभीर है। यह सम्मान निवेशक के साथ खिलवाड़ है, उन लोगों के साथ खिलवाड़ है जो देश की आर्थिक व्यवस्था में, आर्थिक नियमन में विश्वास रखते हैं। गोया की सामाजिक न्याय की लड़ाई हो चाहे आर्थिक हितों की सुरक्षा का सवाल हो, ये जो विपक्ष या इंडिया दल समूह जो मुद्दे लेके चल रहा है उनके साथ खड़ा होना एनडीए के भी उन दलों की मजबूरी है जो सामाजिक न्याय के आधार पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं अमलेंदु जी के पास से सहमत हूं कि सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं जी, सरकार राहुल गांधी चला रहे हैं, आपको भी लगता है प्रशांत टंडन जी? मोदी जी नहीं चला पा रहे हैं, बस ये बात तो तय है, और सरकार कई लोग चला रहे हैं, कुछ राहुल गांधी बच्चा, कुछ अडानी, अंबानी, ब्यूरोक्रेट। क्यों, राहुल गांधी तो कहते हैं कि सिर्फ दो लोग चला रहे हैं सरकार, A1 A2। हाँ वही A1 A2 और उसके इर्द गिर्द। मोदी जी केवल पब्लिक इवेंट्स करते हैं और तमाम तरीके के कपड़े पहन कर दिखाते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, पब्लिक इवेंट्स कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया कि मूर्ति गिर गई। लेकिन जो मुद्दे की बात है राजीव जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है, खासकर मुसलमानों को और देश देश के गरीब लोगों को। अकेले मध्य प्रदेश में राजीव जी 37 मकान गिराए गए हैं, और ये सारा जो बुलडोजर का गुंडागर्दी है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। केवल एक अपवाद है दिल्ली, लेकिन दिल्ली में भी पुलिस बीजेपी की है और सरकार आम आदमी पार्टी की है जी। और इस बुलडोजर चलाने वालों ने इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को दुनिया भर में बदनाम किया है। सब जगह ये खबरें छपती अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, एमनेस्टी इस पर रिपोर्ट करती है। तो इन लोगों ने, बुलडोजर के लोगों ने, बुलडोजर चलाने वालों ने बदनाम किया, और खासकर मुसलमानों के मकान गिराए गए, दलितों के मकान गिराए गए। ऐसा कोई कानून नहीं है, हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट अब उसकी गाइडलाइन तय कर रहा है। गाइडलाइन के साथ ये भी जरूरी है कि जिन लोगों के मकान अवैध रूप से गिराए गए हैं ड्यू प्रोसेस के बगैर, वो मकान के नक्शे पास थे नहीं थे, कंपाउंडिंग थी नहीं थी, दूसरी बात है, अगर ड्यू प्रोसेस के बगैर वो मकान गिराए गए हैं उसका भी कॉम्पनसेशन देना चाहिए, और उसका कॉम्पनसेशन उस पूरे डिमोलिशन स्क्वाड में जो लोग शामिल हैं, नेता, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, पुलिस वाले सब, इनकी तनख्वाहों से काटना चाहिए जी। तब जाके ये जो कानून को हाथ में लेने की बात है, ये संविधान को हवा में उछालने की बात है, डेमोक्रेसी को बदनाम करने की बात है इस देश की, तब ये रुकेगा। बोला सुप्रीम कोर्ट के तमाम सारे फैसले कौन मानता है? तो इस लिहाज से बहुत आवश्यक है, गाइडलाइंस बनेंगी, लेकिन गाइडलाइंस बनने के पहले सुप्रीम कोर्ट ऐसे कुछ अधिकारियों को जरूर जेल भेजे जिन्होंने सब कुछ नियम कानून ताक पे रख के बुलडोजर चलाए। उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को आप फॉलो करिए, प्रक्रिया को फॉलो करेंगे तो जो डिमोलिशन का खर्चा है वो उसी को देना पड़ता है जो जिसकी प्रॉपर्टी पर डिमोलिशन हुआ है। लेकिन आप प्रक्रिया तो फॉलो करें, मुझे नहीं लगता है कि जो मध्य प्रदेश में 37 और 128
बीजेपी शासित प्रदेशों में 2022 से 128 मकान गिराए गए अधिकांश मुसलमानों के। इनमें एक भी ऐसा कोई केस होगा जिसमें कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया होगा, एक भी केस नहीं होगा अगर इसकी ईमानदारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए जी। तो गाइडलाइन बनेगी और गाइडलाइन को फॉलो करें और उसके साथ साथ जो ऐसे अधिकारी उनको पनिश भी करें। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो इंगेजमेंट का तरीका है, लोगों से मिलने का तरीका है, और वो तमाम वो ऐसी चीज़ें जगहों पे जा रहे हैं। अब रेलवे ट्रैक में आज वो गए, अभी पूरा डिटेल मैंने देखा नहीं, यहीं पे देखा कि किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है, क्या क्या उनसे बातें हुई है। जाहिर सी बात है राजीव जी की बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट बीच हुए हैं जी, और हम सब जानते हैं रेलवे एक ऐसी चीज है राजीव जी कि वो हर व्यक्ति हमारे, हम यहाँ पे जो 6 लोग बैठे हैं उसके अलावा जो हमको लोग सुन भी रहे हैं, हजारों लाखों लोग, सबका व्यक्तिगत जुड़ाव रेलवे से होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको रेलवे की तमाम सारी जानकारियां ना हो। हम लोग देखते थे कि वो लाल साफा पहने हुए रेल का ट्रैक का इंस्पेक्शन करते थे, वो दिखना बंद हो गए। वो रेलवे का फिजिकल इंस्पेक्शन होता था ट्रैक्स का, वो कहाँ गए? वो तमाम सारे डिपार्टमेंट आउटसोर्स हो गए, बंद हो गए, उनको वो नौकरियों से निकाल दिया गया, ठेकेदारों को दे दिया गया जी। इस वजह से एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। वो कवच कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा एक अलग बहस का विषय है। रेलवे में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, जब स्टीम इंजन थे, वो लोहे का एक तार का बना हुआ टोकन होता था जिसको रेलवे के ड्राइवर को दिया जाता था, उसमें उसके अंदर एक पर्चा होता है कॉशन का कि कहाँ कहाँ उसको कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी है। ये तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस रेलवे में थे। क्या टेक्नोलॉजी आने के बाद ये सब चीज़ें ठीक हो गई हैं? ये ठीक हो गई हैं तो इतने एक्सीडेंट कैसे हो रहे हैं? रोज एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं भी आप देखिए। जब ये लाइव खत्म करने के बाद मैं जाऊंगा न्यूज में, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट किसी मालगाड़ी का, किसी का इंजन का, किसी का डब्बों का पटरी से उतरा हुआ मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी का जो इंगेजमेंट है, ये बाकी पॉलिटिशियंस को भी अनुसरण करना चाहिए, इसका बहुत असर हो रहा है। अच्छा, मैं तो राजीव जी बहुत से लोगों से मिलता हूँ, आज ही की बात बता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम से पहले मैं कहीं से आया और टैक्सी से आया, वो टैक्सी के ड्राइवर साहब जो थे वो डीबी लाइव देखते थे, वो पहचान में गए मुझको, और उन्होंने बात राहुल गांधी की बताने लगे पूरा कि कितना उनका खर्चा आता है, कितना कैसे कमीशन उनका हो गया है, अब कम बचता है, पहले ज़्यादा बचता था, और किस तरीके से। और वो राहुल गांधी की बात का असर उन तक है, तमाम ऐसे लोग। तो ये एक बहुत बड़ा एक नए प्रकार का जनाधार बन रहा है जिसमें तमाम तरीके के कामगार लोग हैं, और उन कामगार लोगों से जो राहुल गांधी का संपर्क हो रहा है, इसको सोशल मीडिया की जबान में कहते हैं कि वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है जी। और ये इसका मुकाबला नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे जी। एक तो वो अपने आप को राजा महाराजा मानते हैं, कोई अवतार मानते हैं, वो जनता के बीच में जाते नहीं है। आपको याद होगा राजीव जी कि सभी प्रधानमंत्रियों का, यहाँ तमाम पत्रकार लोग बैठे हुए, हम लोग सब गए हैं ऐसी जगहों पे, हर प्रधानमंत्री का सप्ताह में एक दिन या महीने में 2 दिन जनता दरबार लगता था, जिसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे, लोग प्रधानमंत्री से मिलते थे, वो कागज का एक लेकर आते थे। सब बंद हो गया है। जनता से नेता का जो पूरा एक संपर्क होता था वो कट चुका है। उस बीच बुलेट प्रूफ गाड़ियां आ गई, ब्लैक कैट कमांडो आ गए, उसने और नई दीवारें खड़ी कर दी। राहुल गांधी उन दीवारों को तोड़ रहे हैं
और तमाम लोगों से मिल रहे हैं। और ये बहुत बड़ा काम इसलिए भी है कि समाज का तमाम सारा असंतोष, जिसको कहते हैं सोखता जैसे कागज में खींच लेता है स्याही को, वो गुस्से को भी तमाम सारा वो एब्जॉर्ब कर रहा है कि कोई तो मिल रहा उनसे, कोई तो उनके संकट की घड़ी में आ रहा है। आप देखिए कि जब हम अभी वीडियो देख रहे थे डीटीसी के कंडक्टर्स और ड्राइवर्स का, कितनी बुरी हालत है, 2 महीना सैलरी नहीं मिली उनको और उनकी कोई सैलरी लाखों भी नहीं है। अभी माधवी बुश को हम देख रहे हैं 3 जगह सैलरी मिल रही है, उनको 1 जगह से भी सैलरी नहीं मिल रही है, जहां वो होली दिवाली भी काम कर रहे हैं, संडे और शनिवार भी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2 महीने सैलरी किसी को ना मिले जिसकी सैलरी कुछ हजार रुपए, कैसे खर्च आता होगा। और इतने असंवेदनशील है सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी नेता जिनको दिख नहीं रहा, तो उनको बड़ा संतोष मिलता है ऐसे लोगों को, कोई तो है जो उनका हाल पूछ रहा आकर। तो राहुल गांधी का एक नई कंस्टिट्यूएंसी जो है वो तैयार हो रही है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी एक नई कंस्टिट्यूएंसी तैयार कर रहे हैं और उनके इर्द गिर्द देश की राजनीति चल रही है। क्या आपको भी लगता है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, राहुल गांधी के इर्द गिर्द देश की राजनीति, और उसमें आप देखिए अलग अलग चीज़ें, चाहे कोर्ट का मामला हो, चाहे आरएसएस का मामला हो या सेबी का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले, लेकिन राहुल गांधी लगातार किसी न किसी रोज कुछ ना कुछ वीडियो आता है, कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आते हैं। आज आपने देख लिया, रेलवे ट्रैक पे जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये किस ढंग की राजनीति और इस राजनीति से क्या आने वाले समय में कांग्रेस को या विपक्ष को फायदा होता हुआ नजर आता है आपको? तरह के नेता है देश में, और 2 तरह की राजनीति है। एक तो वे है जिनकी राजनीति केंद्र धनपति लोग है, मालदार लोग है, उनके माल में कैसे वृद्धि की जाए, उनकी संपदा कैसे बढ़ाई जाए, इसमें श्री वृद्धि करने वाला एक वर्ग है। दूसरी तरफ गांधी जो मिलते हैं, किन से, कभी जूते सीने वाले से मिलते हैं, कभी खेत चलाने वाले से मिलते हैं, कभी डिलीवरी करने वाले लोगों से मिलते हैं, कभी कंडक्टरों से मिलते हैं, कभी रेलवे ट्रैक पर काम करने मिलते हैं, क्यों से मिलते हैं। तो राहुल गांधी ने अवधारणा बदल दी है राजनीति की, जो अब तक की राजनीति की अवधारणा 10 साल से चल रही थी कि आपको राज करने के लिए केवल 2-3 बड़े उद्योगपतियों का आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए। मैं आशीर्वाद शब्द कह रहा हूँ, ये थोड़ा अनुचित होगा, लेकिन अर्थ उसका वही है कि उन लोगों का आशीर्वाद चाहिए तो आप सरकार बना सकते हैं, क्योंकि वे आपको फंडिंग करते हैं। और इस सब में पिछले 10 साल में आम मतदाता, आम नागरिक हाशिए पर चला गया था। राहुल गांधी ने पिछले कुछ समय से जिस तरह की राजनीति शुरू की, उसमें सत्तारूढ़ दल के पास कोई भी विकल्प बचा ही नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है, और कई लोगों का यह भी मानना है, कि यही मोदी सरकार जातिगत जनगणना की मंजूरी देगी, और यही सरकार, इसी सरकार के होते हुए जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी ने कहा था कि किसान कानून वापस होंगे, किसान कानून वापस हो गए, वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात जो कर रहे थे वो अभी चुप हैं। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं जब ये सरकार बैकफुट पे आ गई। तो राहुल गांधी ने जन अभिमुख सरकार, जन अभिमुख राजनीति शुरू की है, जनता की राजनीति शुरू की है, आम मजदूर की, किसान की, रोजंदारी वाले की, छोटे कर्मचारी की, फेरी वाले की जी। तो ये राजनीति, यही लोग अब राजनीति की दिशा देंगे, यही लोग राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो ये भ्रम भी अब दूर हो जाना चाहिए कि 2, 4 या 10, 20 बड़े उद्योगपतियों की और कुछ ब्यूरोक्रेट्स अगर साथ में हो तो आप सरकार चला सकते हैं और आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि मीडिया आपके पास होगा, आपके पास ट्रोल आर्मी होगी पैसे के बूते पर। इस बात को राहुल गांधी ने नकार दिया है और साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में लोक ही सर्वोच्च है, धन सर्वोच्च नहीं है। और जितनी भी बातें कर रहे हैं अभी सारे लोग सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की बातें जो चल रही हैं, अभी आपने देखा दिखाया कि संघ का एक कार्यक्रम, आरएसएस का कार्यक्रम केरल में हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि केरल में कोई ऐसा सभागार नहीं होगा कि वहां ऐसा कार्यक्रम किया जा सकता, लेकिन इतना भव्य पंडाल बनाया जाएगा, एसी पंडाल बनाया जाएगा, 5-स्टार कल्चर दिखाया जाएगा,
तो ये सब चीजें अब लोगों को पसंद नहीं आती। यहां तक कि अब लोग आरएसएस की उस विचारधारा पर भी लोग कटाक्ष करने लगे हैं, जो ये कहते थे कि हम तो दो जोड़ा कपड़ा लेके चलते हैं, हमें कुछ काम करना नहीं है। तो ये बात भी अब लोगों के मन से हट गई है कि ये संघ के लोग वो हैं जिनका भ्रष्टाचार में अपार योगदान है। अभी मध्य प्रदेश में हम हैं तो हम देखते हैं कि प्यारे लाल खंडेलवाल जी बहुत पूजनीय है, उषा भाऊ ठाकरे जी बहुत पूजनीय है, पर उन्होंने क्या बात की थी, उन्होंने क्या काम किया था राजनीति में, उन्होंने कौन सा बदलाव किया था, इस बारे में कभी जिक्र नहीं होता। मध्य प्रदेश में तो जहां आप जाइए कुशा भाऊ ठाकरे संस्थान, कुशा भाऊ ठाकरे मार्ग, कुशा भाऊ ठाकरे फ्लाईओवर, कुशा भाऊ ठाकरे जी ने यह किया था कि बीजेपी में उन लोगों को वे लेकर आए जो बाहुबली थे। मध्य प्रदेश में तो कह सकते कि उन बाहुबलियों को लाने का काम उन्होंने किया, लेकिन वो पूज्य है क्योंकि वो उन्होंने बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाए। तो ये बात अब लोगों के मन में आ रही कि जो सरकार हर बार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को कोसती रहती है, राजीव गांधी को कोसती रहती है, उस सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। एक और बात मध्य प्रदेश में कही जाती है, जब कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, अब भ्रष्ट लोगों का, उद्योगपतियों का, व्यापारी को काम इतना आसानी से होता है, स्मूथली, क्योंकि रिश्वत की रेट तय है, रिश्वत लेने वाले और देने वाले तय हैं, रिश्वत के चैनल तय हैं। तो आप देखेंगे कि सारा का सिस्टम जो है, जिस तरह फफूंद लग जाती है, वो फफूंद की तरह पूरे सिस्टम को खाया जा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं आगे जाकर क्या होगा। और इसमें आम आदमी की कोई स्थिति नहीं, आम आदमी की कोई आवाज ही नहीं सुनने वाला। तो राहुल गांधी तय कर रहे हैं कि आम आदमी ही सर्वोच्च है, जनता ही सर्वोच्च है, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, तो जनता की उपेक्षा करके आप सरकार नहीं चला सकते। तो ये मैं मुतमइन हूं कि जातिगत जनगणना होगी, राहुल गांधी जिस तरह जिस ताकत से कह रहे हैं, वो देखिए कौन कौन उनके साथ है, एनडीए के कितने दल उनके साथ खुल के आ गए और कई तो छुप छुप के बोल रहे हैं कि हाँ। और यही मोदी सरकार मंजूर करेगी जाति जनगणना को कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद आप देखेंगे कि मोदी जी मान जाएंगे कि हाँ हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए, मैं तो खुद भी ओबीसी हूँ, ये बात भी वो कहेंगे। जी, मतलब राहुल गांधी के इर्द गिर्द देश की राजनीति अभी हम देख रहे हैं और उसमें भी बहुत सारी बातें राहुल गांधी की मानी जा रही हैं और आने वाले समय में भी मानी जाएंगी। ज़रा आना चाहता हूं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट के लिए जयशंकर जी, आपके पास कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की राजनीति और 4 जून के बाद की नरेंद्र मोदी की राजनीति को? राजीव जी, पहली बात तो है कि हम अपने मित्रों की इस राय से सहमत नहीं है कि राहुल गांधी सरकार को चला रहे हैं। राहुल गांधी अगर इस सरकार को चलाते तो इस ढंग की चीजें नहीं होती जो सामने आ रही हैं। तो कम से कम ये बात तो तंज के रूप में तो सही है, तंज कर सकते हैं आप, लेकिन ये बात सही है कि इस सरकार को तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी ही चला रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये सरकार के लिए एजेंडा राहुल गांधी तय कर रहे हैं, ये बात सही है। पहले होता क्या था कि जो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी कुछ बोलते थे उस पर पूरा विपक्ष जो है वो रिएक्ट करता था, तो अब वो स्थिति नहीं रह गई है। अब जो राहुल गांधी कहते हैं या अपोजिशन के लोग कहते हैं उसके इर्द गिर्द सरकार के लोग घूमते रहते हैं या बोलते रहते हैं या उस पर कुछ एक्ट भी करते हैं, तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जिस ढंग से, हम तो शुरू से ही इस बात को कहते आ रहे हैं कि जिस ढंग से पीपुल कनेक्ट उनका बढ़ा है, लोगों से मिलना, उन ऐसे तमाम लोगों से मिलना जिसके बारे में लोग भूल चुके हैं, जो जानते भी नहीं है, कभी उनसे कोई मिलता भी नहीं है, उनसे एक बड़े नेता का मिलना, उनसे खुल करके बातचीत करना, उसी के लहजे में उसी के परिवेश में बैठ करके बात करना और उनकी बातें सुनना, उनकी समस्याओं को समझना और ये पूछना कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो लोग जो कुछ अपनी बातें करते हैं राहुल गांधी उनको आश्वस्त करते हैं, लोगों में उम्मीद बढ़ती है और ये सच है कि राहुल गांधी उस पर अमल भी करते हैं, चाहे वो संसद में सवाल उठाने की बात हो उनके समस्याओं का, उनके समाधान के लिए पब्लिक में बात करने का हो, सार्वजनिक मंचों पर बात करने की हो, उसको वो इशू बनाते हैं, उस पर असर भी होता है। जैसे वो
अमेठे सुल्तानपुर में जो मोची वाली बात जो आई थी सामने आई थी, अब देखिए उसके तो भाग फिर गए। अब उसका उसकी दुकान कितनी बड़ी चल गई, कैसे काम उसका तेज बढ़ गया, तो डूटू राहुल गांधी ही था ना। तो इस तरह से लगातार मतलब वो ऐसे लोगों से बातें करते हैं और उनकी बातों को रखते हैं, तो एक नई राजनीति शुरुआत हुई है देश में, जो पहले हाल के वर्षों में हाल के दशकों में भी देखने को नहीं मिलती कि कोई बड़ा नेता जनता के बीच में जाए, जनता के विभिन्न वर्गों के बीच में जाए और उनसे बात करे, उनकी समस्याओं को सुने। अभी तक देखिए जो भी बातें चस्पा होती हैं कि मोदी जी के साथ जैसे हो जाता है कि अडानी अंबानी का होता है, राहुल गांधी अभी तक किसी बड़े उद्योगपति किसी बड़े पूंजीपति से नहीं मिले हैं, न तो उनसे मिलने का कोई फोटो या कोई वीडियो ऐसा कुछ वायरल हुआ हो कि भाई उनसे भी राजनीति में है तो राजनीति तो सबसे मिलना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी की प्राथमिकताएं वो नहीं है। राहुल गांधी की प्राथमिकताएं हैं वो लोग जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उपेक्षित समाज के लोग, उनके बीच में जिनको आज तक न्याय नहीं मिला है, उनको सोशल जस्टिस दिलाने की जो बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बातें करेंगे तो न सिर्फ इंडिया अलायंस में बल्कि जो एनडी अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाले लोग हैं, उसमें भी जो ऐसे दल हैं जो सामाजिक न्याय की बातें करते रहे हैं, उनके लिए तो उनके सामने एक समस्या तो खड़ी होगी और उनको कोई ना कोई तो उस पर लेना पड़ेगा, अपना रुख बताना पड़ेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इर्द-गिर्द आप सही कह रहे हैं कि राजनीति देश की मंडरा रही है, और अगर चार राज्यों का जैसा हम बता रहे हैं अगर उस तरह के नतीजे निकले जैसे लग रहा है, पता नहीं अगर अंतिम समय में क्या खेल कर दें क्या नहीं कर दें वो तो अलग बात हो सकती है, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से चारों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी या उसके नेतृत्व वाला एनडीए हार जाता है तो देश की आने वाली राजनीति का भविष्य तय हो जाएगा, उसी से क्लियर हो जाएगा, तब फिर जो भगदड़ बचेगी एनडीए में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए में भगदड़ और एनडीए की हालत आने वाले समय में क्या होगी उसका अनुमान आप अभी से लगा सकते हैं, जब बिहार में हलचल है और बिहार में सबसे ज़्यादा हलचल है अलग अलग पार्टियों, और बिहार की दो तीन पार्टियां जो ऑलरेडी सत्ता पर काबिज हैं यानी नरेंद्र मोदी की सरकार एनडीए की सरकार में वो काबिज हैं, जेडीयू की बात कर लें या नीतीश कुमार हैं, उनके अलावा अगर आप चिराग पासवान की बात करें तो ये दोनों प्रमुख दल जो हैं ये कहीं ना कहीं एनडीए में इनकी सुगबुगाहट भी तेज हो रही है, तो बहुत कुछ आने वाले समय में हम देखेंगे और राहुल गांधी की राजनीति के इर्द गिर्द कैसे देश की राजनीति चल रही है उसमें रोज राहुल गांधी कुछ ना कुछ विजुअल्स हमारे आपके बीच दे देते हैं जिस पर चर्चा करना लाजमी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ फैसले या डायरेक्टिव्स या कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो कमेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और आगे देखते हैं कि किस दिशा में ये देश की राजनीति और जाने वाली है। आप तक हम पहुंचाते रहेंगे वैसी हर हलचल हर नई खबर।